Hello, students. Good morning. Welcome to SS Online classes. Students, today it's your English literature turn. So, students, today we will read English literature in our today's class. And students, today we are going to start a new chapter of our English literature book as we sister And students, the number of this new chapter is chapter 6. And the name of this chapter 6 is this thing. Okay. So, all students, please pass partial attention in our class and listen to my words clearly because today we are going to read chapter 6 thusing. And students, included this chapter 6, swing. we will read this poem and after its done, we will read about the poet of this poem and last we will read and note down poem and hard words of the chapter 6 the swing in our fair english literature notebook in our today's class okay so all students let's see this poem students the um, name of this poem is the swing okay the name of this poem is the swing okay swing means students okay so students included in this chapter 6 the swing we will read about the world okay world means students hote dunya. vishva sansar okay तो स्ट्रेंड्स इस चैप्टर सिक्स डी स्विंग इट्स में झूले के अंतर्गत हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे दुनिया विश्व या संसार के बारे में पढ़ेंगे ओके पेज फॉर इट एंड लेट्स रीड दिस पोम स्ट्रेंड्स रीड अ पोम अबाउट अ चाइल्ड ऑना सिंह ओके रीड मिस पढ़िए आमिस एक पोम मिस कविता अबाउट मिस बारे में आमिस okay. एक चाइल्ड मिस बच्चा ऑन मिस पर आमिस एक स्विंग मिस झूला ओके रीड अ पोम अबाउट अ चाइल्ड ऑना सिंह इट्स मीन एक झूले पर एक बच्चे के बारे में इस कविता को पढ़िए ओकेट्स लेटेस्ट पोम अबाउट अ चाइल्ड ऑना सिंह ओके चलिए एक झूले पर uh, एक, बच्चे के, uh, के okay. एक बच्चे के बारे में कविता को पढ़ते ओके okay. एक बच्चे के बारे में कविता को पढ़ते ओके जो स्विंगिंग कर रहा है जो झूला झूल रहे थी ना इसट्सिंग Uh, how do you like to go up in a swing, up in the air, so blue? Oh, I do think it represents thing ever a child can do up in the air and over the wall, till I can see so wide river and trees and cattle and all over the countryside, till I look down on the garden, green, down on the roof, so brown, up in the air, I go flying again.

आप जो एक झूले में ऊपर जाना कैसे पसंद करते हैं अप इन द एयर सो ब्लू ओके ऊपर इन द एयर इट्स मीन हवा में, में एयर मीसेंड्स होता है हवा सो मींस इतना ब्लू मीन्स नीला ओके आप इन द एयर सो ब्लू इट्स मीन ऊपर हवा में इतना नीला ओके ओ आई डोंट थिंक इट इज़ द प्लीजेंट थे ओके ओ आई डोंट थिंक इट्स मीन मुझे लगता है ओके इट मींस ये है द प्लीजेंट्स ओके okay. ओकेर द मीन ऑफ प्लीजेंट एट वेरी इंजॉयल बहुत आनंद में ओके जिसमें बहुत इंजॉय आता है उसे बोलते हैं प्लीजेंट्स इट्स मीन वेरी इंजॉयल बहुत में थिंग मिस बात ओके तो ओ आई डू थिंक इट द प्लीजेंट थिंग ओके इट्स मीन कि ओ oh, मुझे लगता है ये सबसे सुखद बात है सबसे बहुत ज़्यादा में बात है ओके okay, सबसे ज़्यादा में बात है सबसे ज़्यादा इंजॉय इसी में आता है इसी में ओके okay, झुला में एवर अ चाइल्ड कैन डू ओके एवर इट्स मीन कभी आई uh, मीन्स एक चाइल्ड मीस बच्चा कैन मिल सकता है डू मीस कर एवर अ चाइल्ड कैन डू इट्स मीन कभी एक बच्चा कर सकता है ओके

न सी सो वाइट ओके तो टिल्स मैं बहुत वाइट ओकेर दीनो वाइट एट पूरी तरह से ओके तो स्ट्रेंड्स टिल आई कैन सी सो वाइट इट्स मी जब तक मैं इतना पूरी तरह से देख सकता हूँ ओके एंड मीनो वाइट दैट पूरी तरह से यह विस्तृत रूप से ओके टी आई कैन सी सोवर इट्स मी जब तक मैं इतना विस्तृत रूप से देख सकता हूँ और वी कैन से ऑल्सो दैट जब तक मैं इतना पूरी तरह से देख सकता हूँ ओके रिवर एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड ओके रिवर मीन्स नदी एंड मीनस और ट्रीज मीस पेड़ों एंड मिस और काटल मीन ऑफ काटल दैट मवेशी ओके एनस्टेंट काटल मीन्स होता है वी कैंड से दैट कि काउज एंड बुल्स दैट आर एज फार्म एनिमल्स ओके गाय और बैल जिन्हें खीर जानवरों के रूप में रखा जाता है उन्हें बोलते हैं कैटल्स ओके कैटल मिस्टेंट्स होता है मवेशी okay? ओके जो काउस होती है ना गाय होती बुल्स होते बैल होते उन्हें जो फार्म एनिमल की तरह रखा जाता है फार्म एनिमल में होते हैं खेत जानवरों की तरह ओके जो फार्म में वर्क करते हैं खेतों में वर्क करते हैं ओके उन्हें बोलते हैं हम फार्म एनिमल्स ओके तो गाय और बैल जिन्हें खेत जानवरों के रूप में रखा जाता है उन्हें बोलते हैं कैटल कैटल मीन्स होते हैं मवेशी एनिमल्स और ऑल मीन सा भी ओवर ऑफ़ कंट्री साइड हेयर दिन होता है द ऑफ़ ओके. इट्स मीन की कस्बों और शहरों के बाहर की ओर की भूमि मैदान के साथ उसे बोलते हैं कंट्री साइड इट्स मीन होता है देहात ओके रिवर एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड ओके इट्स मीन की नदी नदी और पेड़ों और मवेशी ओके okay. और पूरे देहात के ऊपर दिस फॉर्म टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अवैन अप इन द एयर एंड डाउन ओके टिल इट्स मिन जब तक आई मीस मैं लुक मिस देखती हूँ ओके देखती हूँ डाउन मिस नीचे ऑन मिस पर दार्डन इट्स मिन बगीचा ग्रीन मिस हरा टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन ओके जब तक मैं नीचे देखती हूँ तो हरी गार्डन पे ओके ग्रीन गार्डन इट्स मीन हरी बगीचे पर जब तक मैं नीचे हरी बगीचे पर देखती हूँ डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन ओके डाउन मिस नीचे ऑन पर दी रूफ छत ओके सो मीस बहुत ओके ब्राउन मीन भूरा डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन इट्स मीन की नीचे छत पर बहुत भूरा ओके अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन अप इन ऊपर इन द एयर इट्स मीन हवा में आई मीन मैं गो जा रही यू फ्लाइंग मीस उड़ने अगेन मीन्स दोबारा ओके अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन ओके इट्स मीन कि अब ऊपर uh, हवा में ओके okay, इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन इट्स मीन ऊपर हवा में मैं दोबारा उड़ने जा रही ओके okay, जब स्टूडेंट्स स्विंग कर देना झूला झूलते तो ऐसा लगता है कि फ्लाई कर रहे उड़ रहे हैं ना तो स्टूडेंट्स वही इसमें एक्सप्लेन किया गया इस फॉर्म में ओके okay, uh, स्विंग के टाइम पे स्विंगिंग के टाइम पे झूला झूलते टाइम जो जिससे फीलिंग्स आती है जितना इन्जॉय करते हैं ना उसी को डिस्क्राइब किया गया कि इस फॉर्म में अप इन द इयर एंड डाउन ओके अपर इन दर इन हवा में एंड मिस और डाउन मिस नीचे ओके तो जब तक मैं गार्डन ग्रीन डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन अप इन दर आई गो फ्लाइंग अगैन अप इन द इयर एंड डाउन ओके जब तक मैं नीचे हरे बगीचे पर देखती हूँ ओके नीचे छत पर बहुत भूरा ओके अप इन द इ गो फ्लाइंग अगैन इट्स मीन के ऊपर हवा में मैं फिर से फ्लाई करने जा रही फिर से उन्हें जा रही अप इन द एयर एंड डाउन ओके ऊपर हवा में और नीचे क्लियर वी हैव रीड दिस पोम एंड पॉइंट ऑफ दिस पोम स्विंग इज आर एल ओके तो आर एल स्टीवेंसन जो इनके इस पोम है जो ये द स्विंग जो ये कविता है स्विंग इट्स मीन झूला इसके ये पोइट हैं ओके okay. इट्स के ये कवि है एस एल स्टीवेंसन ओके असिटेंस वी हैव रीड दिस पोम दिस सिंग एंड आई होप यू मस्ट है दिस पोम यू हैव नो प्रॉब्लम इन एनी स्टैंडर्ड ऑफ दिस दिस दिसंग ओके एंड स्टेंट्स आई होप यू आर एंजॉइंग दिस लेट्स ओकेट्स पिक्चर इट्स अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल एंड सी इट सिंगिंग ओके एक गर्ल की पिक्चर है और स्ट्रेंड्स ये सिंगिंग कर रही झूला झूल रही है एंड स्टेंट्स सी इज इंजॉइंग द बेस्ट मोमेंट ऑफ सिंगिंग ओके ये झूला झूलने के सबसे ज्यादा अच्छी छड़ों को इंजॉय कर रही है ओके तो स्ट्रेंड्स लेट्स रीड अबाउट दिस पॉइंट, ओके ऑफ दिस पोम अबाउट द पॉइंट. ओके अबाउट द पॉइंट, इट्स मीन कवि के बारे में रॉबर्ट लूसियस स्टेवनसन ओके आर एल का फुल फॉर्म स्टेंट्स है रॉबर्ट लूसियस ओके रॉबर्ट लूसियस स्टेवनसन वाज आ पोइट एंड राइटर बॉर्न इन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड ओके तो स्ट्रेंड्स रॉबर्ट लूसियस स्टेवनसन वाजमीस थे आर्मी एक पोइट मीनस कवि और राइटर मीस लेखक ओके इस जो पोम राइट डाउन करते हैं ना जो पोम्स लिखता है कविताओं को लिखता है उसे हम बोलते हैं पोइट ओके और जो स्टोरी लिखता है जो कहानियाँ लिखते हैं ना उसे बोलते हैं राइटर राइटर मीस लेखक पोइट मीनस कवि ओके बॉर्न मिस जन्म हुआ इनमिस में एडिन बर्ग स्कॉटलैंड ओके सो रॉबर्ट लोसी स्टैंडवर्स एक कवि और लेखक थे और इनका जन्म स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था ओके स्ट्रेंड्स लेट्स सी नेक्स्ट अ चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस इज़ वन ऑफ इज बेस्ट नोन कलेक्शंस ऑफ पोइट्री फॉर चिल्ड्रेन ओके तो स्ट्रेंड्स बच्चों के लिए इनके कविताओं का एक संग्रह है जो सबसे जाना जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है बेस्ट नोन है सबसे ज़्यादा जाना जाता है सबसे ज़्यादा फेमस है और स्ट्रेंड्स वो है इनका अ चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस ओके सो स्ट्रेंड्स अ चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस सबसे ज़्यादा जाने वाले कविताओं का एक संग्रह है ओके okay, इनकी कविताओं का एक संग्रह है बच्चों के लिए आ चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस बच्चों के लिए बच्चों के लिए कविताओं का एक संग्रह है जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है ओके ही आल्सो रोट टू पॉपुलर नॉवेल्स ट्रीजर्स आइसलैंड एंड किडनेपद ओके ही हीस वह आल्सो मीज भी रोट मीस लिखा ओके तो ही मीन्स वे उन्होंने ओके उन्होंने आल्सो मीज भी रोट मीस लिखा रोट इट द सेकेंड फॉर्म ऑफ राइट राइट मींस लिखना रोट मीस लिखा टू पॉपुलर नॉवेल्स टू मीन्स दो पॉपुलर मीस प्रसिद्ध फेमस नॉवेल्स इट्स मीन उपन्यास ओके फर्स्ट इज ट्रीजर्ट्स आइसलैंड एंड सेकेंड इज किन्नैक ओके ही आल्सो रोड टू पॉपुलर नॉवल्स ट्रीजर्स आइसलैंड एंड किन्नैक इट्स मीन की उन्होंने दो और प्रसिद्ध उपन्यासों को लिखा ओके इन्होंने उन्होंने दो प्रसिद्ध उपन्यासों प्रिजर्स आइसलैंड और किडनैप्ड को लिखा ओके सो वी हैव रीड अबाउट द पोइट रॉबर्ट लुसिस स्टैंडवेंस एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट द पोई यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक अबाउट द पोइट ओके सो नाउ ये आर गोइंग टू रीड एंड नोट डाउन पोम ऑफ दिस चैप्टर सिक्स इन अब फायर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक ओकेट सी द नेम ऑफ दिस चैप्टर सिक्स इज द स्विंग दिस स्विंग इट्स मीन झूला ओके दिस पोम इज बेस्ड ऑन दिस विंग ओके जो पोम है ना ये स्विंग पर बेस्ड है ओके झूले पर बेस्ड है ओके ओकेट लेट्स इट हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग अप इन द इर सो ब्लू ओ आई डोट थिंक इट इज द प्लीजेंट थिंक एअवर आर चाइल्ड कैन डू ओके हाउ डू यू लाइक टू गो अपन अग इट्स मीन की आपको कैसा लगता है ऊपर एक झूले में ओके okay. ऊपर uh, ये ऊपर एक झूले पे जाने में आपको कैसा लगता है हाउ डू यू लाइक ओके आपको कैसा लगता है टू गो मीन्स जाना अपने झूला ओके एक झूले okay. में ऊपर जाने में आपको कैसा लगता है ओके okay. अप इन द एयर सो ब्लू आप मीन्स ऊपर इन द एयर इट्स मीन हवा में सो मीन्स बहुत ब्लू मीन्स नीला आप इन द एयर सो ब्लू इट्स मीन कि ऊपर हवा में बहुत नीला ओके सो स्टेंट्स Uh, एक झू uh, आप झूले में कैसे ऊपर जाना पसंद करते ओके हाउ डू यू लाइक टू गो आप इना स्विंग ओके okay, आप झूले में ऊपर जाना कैसे पसंद करते हैं ऊपर हवा में बहुत नीला या ऊपर हवा में इतना नीला ओके ओ आई डोंट थिंक इट इज़ द प्लीजेंट थिंग ओके ओ मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंजॉयबल uh, सबसे ज़्यादा आनंद में बात है सबसे ज़्यादा सुखद बात है ओके एंड एवर आर चाइल्ड कैन डू इट्स मीन की uh, कभी एक बच्चा कर सकता है क्लियर स्टेंट्स द पॉइंट ऑफ दिस पोम दिस थिंग इज आर एल स्टीवेंसन ओके

फोर नंबर हार्ट वर्ड इज वाई डब्ल्यू आई डी ई वाइट ओके एंसेंट्स फाइव नंबर हार्ट वर्ड इज कैटल सी ए डबल टी एलिकटल मीसेंट्स होता है मवेशी ओके काउज एंड बुल्स दट आर काज फॉर्म एनिमल्स ओके गाय और बैल जिन्हें खेत जानवरों के रूप में रखा जाता है उन्हें बोलते हैं काटल काटल मीस मवेशी सिक्स नंबर हार्टवर्ट इज रिवर आर आई वी आर रिवर मिस नदी एंड सेवन नंबर हार्टवर्ट इज कंट्री साइड सी ओ यू एंड टी आर वाई एस आई डी ई कंट्री साइड इट्स मीन देहात ओके एंड सीन द मीन ऑफ कंट्री साइड लैंड आउटसाइड टाउन्स एंड सिटीज़ विदर्स ओके कस्बों और शहरों के बाहर की ओर की भूमि मैदानों के साथ उसे बोलते हैं कंट्री साइड योर एट नंबर इज टाउन डी ओ डब्ल्यू एन डाउन मिस नीचे एंड नाइन नंबर हार्ट वर्ड इज गार्डन जी आर डी ई एन गार्डन मिस बगीचा टेन नंबर हार्टवर्ड इज फ्लाइंग एफ एल वाई आई एन जी फ्लाइंग मिस उड़ रहा है ओके एंड लेवन नंबर हार्ड वर्ड इज बी आर ओ डब्ल्यू ड्राउंड एंड यस्ट नंबर हार्ड वर्ड इज रूफ आर डबल मिस छत ओके रीड एंड नो डाउन हार्ड वर्ड्स ऑफ द चैप्टर सिक्स इन अर इंग्लिश लिटरेचर नोट बुक एंड आई होप यू मस्ट हेव अंडरस्टुड हार्ड वर्ड्स एंड पोम ऑफ द चैप्टर सिक्स यू हव नो प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक ऑफ हार्ड वर्ड्स एंड पोम ओकेटेंट्स टूडेज योर क्लास वर्क इज़ दैट नोट डाउन पोम एंड हार्ड वर्ड्स ऑफ द चैप्टर सिक्स दिन In your fair english literature notebook with your best handwriting it's a today's classwork and since of homework is that learn for line poem of this chapter 6 thus swing from your fair english literature notebook it's a today's homework and since i hope you have no problem for learning work because since i've explained a uh, poem of this chapter 6 thus swing okay so i'll firstly complete your classwork note down poem and hard words of this chapter 6 thus swing in your fair english literature notebook with your best handwriting and send me your work here thank you